नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है वेस्ट फिशिंग क्रॉकरी शॉप, यानी बर्तनों की दुकान। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। आप अपनी साइट के प्रति मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से निसंकोच हो गए आप बात कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वेस्ट फेसिंग क्रॉकरी शॉप, यानी बर्तनों की दुकान। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपकी जो दुकान है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि आपकी दुकान रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। आप अपनी दुकान खरीदते हैं या रेंट पर लेते हैं तो भी आपने ध्यान रखना है कि दुकान रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि जिन व्यक्तियों की दुकान रोड के लेवल से नीचे चली जाती है उनकी वर्किंग 50% रह जाती है। मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ भी वर्किंग कम हो, क्योंकि आप नई दुकान लेने जा रहे हैं, अपने परचेज करने जा रहे हैं या रेंट पे लेने जा रहे हैं। कई बार आदमी जल्दबाजी में मार्केट की दुकान को देखकर यस कर देता है, लेकिन आप उस दुकान की हिस्ट्री को चेक करें कि वहाँ पर बैठकर जिस व्यक्ति ने काम किया, क्या वो व्यक्ति वहाँ पर फलीभूत हुए। इसलिए मैं आपको एक बात ही बोलूँगा कि आपकी दुकान का फर्श का लेवल हमेशा ही रोड के फर्श के लेवल से ऊँचा होना चाहिए। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जो आपकी सड़क है वो टूटी हुई उबड़ खाबड़ खड्डे वाली नहीं होनी चाहिए। यदि है तो आप अपने दुकान के आगे का भाग सही करें, प्लेन करें, स्मूथ करें। आपने अपने यहाँ पर अंदर आने की जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर, यहाँ से आपने अपने अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है। फ्रंट के भाग में आपका ग्लास आ जाएगा और एंट्रेंस डोर आ जाएगा। फ्रंट में आपने गेट से लेके साउथ वेस्ट तक यहाँ पर आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। ऐसे ही आपकी साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक साउथ की दीवार पर भी आपकी स्टोरेज आ जाएगी। ईस्ट की दीवार पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट कॉर्नर तक भी आपकी डिस्प्ले आएगी, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी। साउथ के रैक में आपने फर्श से लेके छत तक माल भर के रखना है। ऐसे ही आपने ईस्ट की दीवार पर आपने लाइट वेट का सामान रखना है और नॉर्थ की दीवार पर भी आपने लाइट वेट का सामान रखना है। आपके यहाँ माल बहुत ज़्यादा आता है, वो माल आप फर्श के ऊपर रखते हैं तो वो माल आप साउथ ईस्ट कॉर्नर से फर्श के ऊपर रखते हुए साउथ वेस्ट तक पूरे इस हिस्से में आपने माल भर के रखना है। माल के आगे आपकी कंप्लीट गद्दी आ जाएगी। यदि आप अपनी दुकान में काउंटर लगाते हैं तो काउंटर आपने ईस्ट की दीवार से वेस्ट की दीवार तक यहां पर आपने अपना काउंटर लगाना है, और काउंटर से आपने अंदर आने का जो रास्ता बनाना है वो सेंटर से बनाना है। ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर हो जाएगी और बिलिंग काउंटर भी आपका यहीं बनेगा। आपका अपना स्टाफ यहाँ पर आएगा, और जो कस्टमर आपका आएगा उनके लिए आपने स्टूल रखने हैं तो वो स्टूल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। पीने का पानी आपने अपनी दुकान के नॉर्थ ईस्ट के भाग में नॉर्थ की दीवार के साथ या ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है, और इसी के साथ ध्यान रखना है जो आपका नॉर्थ ईस्ट का खाना है, नॉर्थ ईस्ट का जो ब्लॉक है, इस कोने में आपने कोई भी सामान नहीं रखना है। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक लगा सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो आपका अपना गेट है, गेट के ठीक सामने आपने मंदिर नहीं लगाना है। मंदिर आप ईस्ट सेंटर से
साउथ ईस्ट तक के भाग में लगा सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप अपना मंदिर साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर लगाएं। इस मंदिर में आप सुबह से लेकर शाम तक जोत जलाते हैं तो आपके यहाँ पैसे आने के साधन हमेशा बने रहेंगे और आएंगे। आपने अपनी दुकान में इन्वर्टर कहाँ लगाना है, वो इन्वर्टर आपने अपनी दुकान के साउथ ईस्ट के भाग में इसी जोन में आपने अपना इन्वर्टर लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी दुकान के अंदर कलर कौन कौन से होने चाहिए। सीलिंग आपकी वाइट होनी चाहिए, दीवारों का जो कलर है वो ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। जो आपका अपना काउंटर बनेगा वो आपका ब्राउन कलर का बनेगा और जो आपकी और आपके स्टाफ की जो चेयर होंगी उस चेयर का कलर मैरून होगा। और जो आपके यहाँ कस्टमर आएगा उनके लिए बैठने के लिए जो आपने स्टूल रखने हैं वो आपके ब्लू कलर के रहेंगे। जो आपका शटर लगेगा, शटर के ऊपर जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर या सिल्वर कलर ही होना चाहिए। आप अपनी दुकान के अंदर फर्श की ढलान साउथ से नॉर्थ की ओर कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ कस्टमर सुबह से लेकर शाम तक आता रहेगा और कोई भी कस्टमर आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा सामान लेकर जाए चाहे बड़ा सामान लेकर जाए, आपके यहाँ से सामान लेकर जरूर जाएगा। मैक्सिमम कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेकर जाएगा। आप वास्तुशास्त्र के साथ साथ मेरे अनुभव के अनुसार इस प्रकार से अपने दुकान का सेटअप कर लेते हैं तो आप कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी साल से डेढ़ साल के अंदर खरीदने के लायक बन जाएंगे। और इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है जितनी बड़ी दुकान आपकी ये है इससे बड़ी दुकान आप अपनी मार्केट के अंदर और नई ओपन करें। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।